दोस्तों अपनी बोरिंग नॉर्मल लाइफ से दूर समंदर की लहरों के बीच इन शानदार लग्जरी क्रूज शिप्स पर एक दिन बिताना भी किसी जन्नत के मजे लेने जैसा है। और मुमकिन है कि आप में से कई लोग इन आलिशान क्रूज की सैर कर चुके होंगे या फिर ऐसा ही कुछ प्लान कर रहे होंगे। लेकिन बता दूं कि लाखों रुपए की टिकट खर्च कर इन लग्जरी जहाजों पर बने स्विमिंग पूल्स में सनबाथ लेते हुए अपनी तस्वीरें सोशल मीडिया पर डालने वाले नवाब भी इन क्रूज शिप्स के उन डर्टी सीक्रेट्स को नहीं जानते होंगे जिनके बारे में मैं आपको आज की इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो बिना देरी किए शुरू करते हैं क्रूज शिप्स के उन 7 डार्क सीक्रेट्स की इस लिस्ट को जो सोशल मीडिया पर छाई इन इम्प्रेसिव तस्वीरों को देखने से कभी पता नहीं चलती। Facts on your face. Dumping in ocean. दोस्तों एक लग्जरी क्रूज में कम से कम 3 से 4 हजार पैसेंजर्स अलाउड होते हैं जो इन लग्जरी शिप्स पर अपनी छुट्टियां बिताते हैं। अब क्रूज पर ह्यूमंस हैं, तो ह्यूमन वेस्ट तो होगा ही। बता दूं कि एक क्रूज शिप एक हफ्ते के लॉन्ग ट्रिप पर 2,10,000 गैलन ह्यूमन वेस्ट, 1 मिलियन गैलन ग्रे वाटर जो शॉवर और सिंक्स में से आता है, 130 गैलन से ज्यादा हजार्डस वेस्ट, 8 टन सॉलिड वेस्ट और 25,000 लीटर ऑयल मिक्स वेस्ट वाटर प्रोड्यूस करती है। शिप से निकलने वाला ये सीवेज 5 ओलंपिक साइज स्विमिंग पूल्स भी फिल कर सकता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि लग्जरी क्रूज की ये सारी गंदगी आखिर जाती कहाँ है? तो दोस्तों बता दूं कि ये सारा ह्यूमन वेस्ट शिप नहीं बल्कि समंदर में ही डंप किया जाता है, और वो भी तब जब समंदर की मरीन लाइफ से दुनिया के आधे से ज्यादा देश अपना पेट भरते हैं। सी और ओशन में जाने वाला ये ह्यूमन वेस्ट यहाँ के रहने वाले जीवों में बैक्टीरियल इन्फेक्शन फैलाता है, माने कि इनडायरेक्टली इंसानों को ही बीमार करता है। और दोस्तों ऐसा भी नहीं है कि ये सीवेज ओशन की गहराइयों में कहीं दूर दफनाया जाता हो। इंटरनेशनल फेडरल लॉ के मुताबिक किसी भी कंट्री के कोस्ट से 12 मील के एरिया को छोड़कर शिप्स अपने ह्यूमन वेस्ट को कहीं भी डंप कर सकती है। अब जरा सोचिए, आप किसी रोज अपनी फेवरेट बीच पर स्विमिंग करने पहुंचे और वहां पानी में ह्यूमन वेस्ट तैर रहा हो। स्टीलिंग टैक्स। दुनिया के सबसे महंगे और लग्जरी क्रूज शिप्स रॉयल कैरिबियन के बारे में तो आपने सुना ही होगा। वैसे तो ये आलिशान शिप फ्लोरिडा बेस्ड कंपनी का है, लेकिन यूएस के लेबर लॉज, एनवायरमेंट लॉज और हैवी टैक्स से बचने के लिए इस शिप को अफ्रीका के छोटे से देश लाइबेरिया में रजिस्टर किया गया है। इसी तरह से फेमस लग्जरी क्रूज कार्निवल को पनामा और नॉर्वेजियन को बरमूडा में रजिस्टर किया गया है। लेकिन दोस्तों क्या आप जानते हैं कि लग्जरी शिप्स कंपनीज ऐसा क्यों करती हैं? समंदर पर अपनी मनमानी चलाने के लिए कंपनी अपनी शिप्स को ऐसे देशों में रजिस्टर करवाती हैं, जहां के लॉज की फ्लेक्सिबिलिटी उन्हें समंदर में कुछ भी करने की इजाजत देती है और उनके प्रॉफिट को डबल करती है। इन देशों में क्रूज ओनर्स को अपनी संपत्ति का पूरा ब्यौरा नहीं देना पड़ता और वो मनमाने ढंग से कस्टमर्स को लूट सकते हैं। इसीलिए इन क्रूजेस पर ट्रिप का अमाउंट तो कम ही होता है, लेकिन क्रूज पर मौजूद चीजों पर लगने वाले चार्जेस कब कस्टमर की जेब खाली कर देते हैं उन्हें पता भी नहीं चलता। रिपोर्ट्स के मुताबिक क्रूज शिप्स अपनी आधे से ज्यादा कमाई इन्हीं सब चार्जेस से करते हैं। एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वर्कर्स। दोस्तों इन क्रूज शिप्स पर काम करने वाले इन सूटेड बूटेड मैनेजर्स की फोटोज को देखकर आपको भी लगता होगा कि इनकी लाइफ कितनी शानदार होती होगी, पर रियलिटी इससे कोसों दूर है। लोगों को लग्जरी वेकेशन ऑफर करने वाली इन क्रूज शिप्स में भेदभाव और शोषण किया जाता है। शिप पर हाई पोस्ट को छोड़कर सभी वर्कर्स गरीब देशों से बहुत कम सैलरी पर ही हायर किए जाते हैं और फिर उनसे हफ्ते के 70-70 घंटे काम करवाया जाता है, और वो भी बिना किसी छुट्टी के। शिप पर काम करने वाले क्लीनर्स और स्वीपर्स को $500 से $600 मंथली इनकम दी जाती है, और क्योंकि वेटर्स को कस्टमर से टिप से भी अच्छे पैसे मिलते हैं इसीलिए वेटर्स को तो और भी कम सैलरी पर रखा जाता है। मिसिंग केसेस। 1998 में एमी लेन ब्रैडली नाम की एक 23 साल की लड़की रॉयल कैरिबियन के एक क्रूज पर खो गई थी, जिसे क्रूज सेलर्स ने कुछ लोगों के साथ मिलकर बेच दिया था। इसी तरह एक ओल्ड कपल को उनके बच्चों ने मदर्स डे के गिफ्ट में द कार्निवल क्रूज शिप की टिकट्स दी थी, और कपल अपना वेकेशन मनाने क्रूज पर गया भी लेकिन कभी लौट कर नहीं आया। क्रूज विक्टिम्स एसोसिएशन के मुताबिक साल 1995 से अब तक 150 से ज्यादा लोग इन क्रूज शिप्स पर गायब हुए हैं। जो कहां गए इसका आज तक पता नहीं चल पाया है। नो रियल पुलिस।
ये क्रूज शिप्स अपने आप को बाहर से आलीशान और लग्जूरियस दिखाने में तो खूब पैसा बहाते हैं, लेकिन लोगों की सेफ्टी और सिक्योरिटी पर इनका कोई खास ध्यान नहीं होता। इन लग्जरी शिप्स में वैसे तो हाई सिक्योरिटी और क्रिमिनल्स के लिए जेल तक होती है, पर असल में ये सब दिखावा होता है। ये क्रूज किसी भी देश की सीमा से दूर इंटरनेशनल वाटर्स में होते हैं, जहाँ किसी भी देश के कानून इन पर लागू नहीं होते। सेक्सुअल असॉल्ट और रेप इन लग्जरी क्रूजेस पर होने वाले सबसे आम क्राइम्स हैं, जिनके खिलाफ क्रूज डिपार्टमेंट भी कोई स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लेता, और अगर विक्टिम शिकायत दर्ज कराना चाहे तो उसे उस देश की पुलिस के पास जाना पड़ता है जहाँ क्रूज रजिस्टर्ड होता है। ऐसे में ज्यादातर विक्टिम्स केस कर ही नहीं पाते, और अगर केस हो भी जाए तो भी रिजल्ट क्रूज के फेवर में ही आता है। फ्यूल पॉल्यूशन। दोस्तों, हमें लगता है कि क्रूज इतना एक्सपेंसिव और लग्जूरियस है तो इसकी हर चीज फर्स्ट क्लास होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। दुनिया की हर लग्जरी फैसिलिटी से लैस इन क्रूज शिप्स में आज भी आउटडेटेड फ्यूल का इस्तेमाल होता है, जिसे बंकर फ्यूल कहा जाता है। ये एक थिक पेट्रोलियम प्रोडक्ट होता है, जिसमें गैसोलीन के मुकाबले 5 गुना ज्यादा सल्फर होता है, जो पॉल्यूशन में कई गुना की बढ़ोतरी करता है। और शिप्स इस फ्यूल का इस्तेमाल सिर्फ इसलिए करते हैं क्योंकि ये दूसरे फ्यूल्स के मुकाबले सस्ता होता है। दुनिया की कुछ कंपनीज इस पॉल्यूशन को कम दिखाने के लिए शिप्स में फिल्टर भी लगाने लगी हैं, लेकिन इससे भी शिप से होने वाले पॉल्यूशन लेवल में कुछ खास फर्क नहीं पड़ता। हिडन कैमरास। दोस्तों, अगर आप क्रूज पर हैं तो जो भी करिएगा सोच समझ कर करिएगा, और वो इसलिए क्योंकि यहाँ रूम्स को छोड़कर हर जगह कैमरे होते हैं जो शिप के कोने कोने पर नजर रखते हैं। सर्वेलेंस के लिए कैमरास का लगा होना कोई नई बात नहीं है, लेकिन क्रूज डिपार्टमेंट पैसेंजर्स पर नजर रखने के लिए शिप्स पर हिडन कैमरास भी लगाती है, ताकि पैसेंजर्स या फिर क्रू मेंबर्स उन्हें चकमा ना दे पाए। लेकिन इससे क्रू पर ट्रेवल करने वाले पैसेंजर्स को अपने रूम के बाहर कहीं भी प्राइवेसी नहीं मिलती, और उन्हें हर जगह हर वक्त कोई ना कोई देख और रिकॉर्ड कर ही रहा होता है। तो दोस्तों, अब तो आप भी समझ गए होंगे कि ये लग्जरी क्रूज अपनी शानो शौकत को बनाए रखने के लिए क्या क्या काले कारनामे करते हैं। खैर, इसी के साथ लग्जरी क्रूज शिप्स के सीक्रेट्स का ये सफर यही खत्म होता है। नीचे कमेंट करके जरूर बताएं कि इनमें से किस डार्क सीक्रेट ने आपको सबसे ज्यादा हैरान किया। साथ ही बने रहे फैक्टिफाइड हिंदी के साथ ऐसी सभी मजेदार और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। तब तक खुश रहें, अपना अपने चाहने वालों का ख्याल रखें, और वीडियो पूरी देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।